नमस्कार, मैं पंडित अनुराग गुरु जी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज सभी को बताएंगे, चर्चा करेंगे कि काल सर्प की जो महापूजा होती है वो कैसे होती है, उसके खर्चे कितने आते हैं, पूजा का मुहूर्त कौन सा होता है, किस महीने में करानी चाहिए। तो काल सर्प की पूजा आप कौन से भी महीने में करा सकते हैं। नीचे नंबर दिया गया हुआ है, वहां से एक व्हाट्सएप पे ओम नमः शिवाय लिख करके मैसेज करेंगे तो आपको पूरे साल का जो है मुहूर्त भेज दिया जाएगा। सबसे प्रथम में महापूजा क्या होती है, तो आज जानेंगे कि काल सर्प की जो महापूजा होती है उसमें कितना समय लगता है। तो सबसे प्रथम में काल सर्प जो महापूजा होती है उसमें आपको 4 से 5 घंटे का समय लगता है। साथ ही में उसमें विधि कौन कौन सी की जाती है, सबसे प्रथम में उसमें जो है गणेश पूजन, कलश पूजन, पुण्यावाचन पूजन, षोड़श मातृका पूजन और पितृ पूजन, जिसे हम नांदी श्राद्ध पूजन कहते हैं। साथ ही में 3 देवताओं का पूजन होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश गंगा यमुना सरस्वती, और 4 वेदों का उच्चारण पूजन किया जाएगा। उसके बाद में नवग्रह जी का पूजन अर्चन होने के बाद में देवादिदेव महादेव जी का लास्ट में पूजन अर्चन करेंगे। उसके बाद में आपके पूजा में 36 चांदी के नाग लगाए जाएंगे और साथ ही में राहु केतु की चांदी की मूर्तियां रहेगी, उनका अभिषेक पंचोपचार करके प्राण प्रतिष्ठा करके शांति पाठ करके होम हवन किया जाएगा। होम हवन होने के बाद में आपको चांदी के नाग नागिन का जोड़ा दिया जाएगा। तो मंदिर के बगल में कुशावर्त कुंड है, वहां पे जोड़ा नाग नागिन का विसर्जन करना है, उतारा करना है अपने ऊपर से 3 बार और पानी में प्रवाहित कर देना है, स्नान करना है, उसके बाद में मंदिर का दर्शन करना है। ये महापूजा होती है। तो नीचे नंबर दिया गया हुआ है, वहां से जाकर के पंडित अनुराग गुरु जी से संपर्क कर सकते हैं। आपको जानकारी अधिक और चाहिए होगी तो नीचे नंबर दिया गया है, इसका खर्चा कितना आता है, इसके मुहूर्त क्या है, है ना, तो नीचे जाकर के पंडित अनुराग गुरु जी से संपर्क करें। ओम नमः शिवाय।